भूख तो खार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर नाम। मन बेदया चरणार बिन, दर्शन लगड़ा साओ। ओट गोविंद गोपाल राय, सेवा स्वामी लाओ। बिखिया पोह न सकई, मिल साधु गुण गाहो। जहते उपजी तह मिली, सच्ची प्रीत समाओ। कर गए लीनी पार ब्रह्म, बहुण न इछड़िया। बार जाऊं लख बेरिया, हर सज्जन अगम अगाओ। शर्म पई नारायणे, नानक दर पैया। पोख सोहंदा सर्ब सुख, जिस बक्से वे परवाहो। पोदा महीना तुखार कक्कर बर्फ पाला। माज राग दे राही गुरु अर्जन देव जी महाराज दा बारामा नामक बाणी द्वारा ए उपदेश, जिन्हां दे कंठ दे परमात्मा दा नाम हुंदा है, पोदे महीने दा तुखार कक्कर पाला उन्हां नूं नहीं व्यापदा। दरअसल अत दी गर्मी जिथे मनुख नूं बेचैन कर देंदी है, अत दी ठंड मनुख नूं आलसी कर देंदी है, दलिदरी बना देंदी है। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, उठण नूं जी नहीं करदा। अग कोल बैठे रहिए, बिस्तर विच बैठे रहिए, कमरे विच बैठे रहिए, धुप ते बैठे रहिए, किधरे भी कम करन नूं जी नहीं करदा, किधरे भी जाण नूं जी नहीं करदा। और इस तरह हड जुड़दे ने, शरीर जुड़िया जुड़िया रहिंदा है ठंड दा अपना एक असर। और जितनी गहरी ठंड होवेगी उतना ही मनुख आलसी हो जाता है, दलिदरी हो जाता है और मैला जिहा रहण लग पैंदा है। पर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है तो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। हू बहू इस तरह देखण दे चाया है मानसिक मंडल दे भी, जिथे क्रोध है और अहंकार है, लोभ है, बड़ी जालमाना तबीयत है, अत दी गर्मी है, उत्थे भी दुख ही दुख है। पर जिथे अत दी ठंड है, बड़ा गहरा आलस है, बहुत गहरी दरिद्री है, देखण दे चाया है उत्थे भी दुख है। जीवन विच हरकत चाहीदी है, ना गर्मी रोके ना ठंड रोके, भाव ना जालमाना तबीयत होवे ते ना ही आलस ते दलिदरी होवे। पर की कीता जाए जे बार बहुत ही ठंड होवे, कक्कर पै रही है, बर्फ पै रही है, सर्द शीत लहर चल रही है, ठंडियां हवावां ने, ऐसे माहौल दिच की करिए। दरअसल विज्ञान ने ते अजे खोज करनी है, पर धर्म कहिंदा है जिन्हां दे कंठ दे परमात्मा दा नाम होवे, इतना उत्साह हुंदा है उन्हां दे अंदर, इतनी उमंग आउंदी है कि पोह दे महीने दा कक्कर पाला उन्हां दे अंदर आलस नहीं पैदा करदा। परमात्मा दा नाम अनंत गुणां विच इस दैवी गुण नूं भी जो है पैदा कर देंदा है कि मनुख फुरतीला हो जांदा है, चुस्त हो जांदा है, आलस दूर हो जाता है। आलस छीज गया सब तन दे, या होर पंक्तियां गुरु अर्जन देव जी महाराज दियां। महा मोहनी तुद ना व्यापे, तेरा आलस कहां गए होए। परमात्मा दा नाम ऐसा है, वाकई आलस चला जाता है, आलस नहीं रहिंदा, दलिदरी नहीं रहिंदी।
तो साहब कहिंदे ने जिन्हां दे कंठ दे च परमात्मा दा नाम है, हर वक्त उस दे नाम दा उचारण जिहड़े कंठ करदे ने, उन्हां दे अंदर इतनी निघ आ जांदी है कि पोह दे महीने दी तुखार ठंड इकक्कर उन्हां दे अंदर आलस नहीं पैदा करदी। पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर नाम, मन बेदया चरणार बिंद दर्शन लगड़ा सा। जिन्हां दा मन परिपूर्ण परमात्मा दे दर्शना दे चलीन हो गया और रब्बी गुण हिरदे दे च वस गए ने, परमात्मा दे नाम दा स्वाद आन लग पे है, ऐसियां जो जीव इस्त्रियां ने, ऐसे जो पुरुष ने, उन्हां नूं पोह दे महीने दी ਇਹ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੀ। ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਓਟ ਆਸਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਏ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹੀ ਓਟ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, उसके आसरे ते ही अपना जीवन बतीत कर दिया ने। दरअसल जीवन लई कोई ना कोई आधार आसरा ओट ते चाहिदा है। देखते हैं दरखत खड़े ने जमीन दे आसरे ते, उच्चे उच्चे महल खड़े ने बुनियादा दे आसरे ते, देखते हैं रेलां मोटरां गड्डियां चल रही ने गैस पेट्रोल दे आसरे ते। जीवन नूं चलन लई और जीवन विच खुशियां नूं चलन लई, जीवन विच आनंद मगनता ए वी चलदी रहे, तो कोई ते आधार चाहिदा है, कोई ते टेक चाहिदी है। ये ख्याल ते मनुख दे अंदर है, पर मनुख अपना आसरा लभण विच हमेशा ही गलती करदा है। कदी कह देंदा है मां आसरा है, कदी कहिंदा है पिता आसरा है, ये भरा आसरा है, ये पत्नी या पति मेरा आसरा है, ये बच्चे मेरा आसरा ने, ये पड़ोसी ये मित्र मेरा आसरा है, पर ये आसरे आरजी ने वक्ती ने, क्योंकि वो मोते सुख चात हैं हम ओते सुख चात हैं। जिथे असी उन्हां कोल सुख खेड़ा ते खुशियां चाहते हाँ, आधार बनाते हाँ, उत्थे ओ सानू भी आधार बना के साडे कोल भी खेड़ा ते खुशियां लेना चाहते ने। इस वास्ते संसार दे सारे संबंध नूं इंज आख्या गया है, लैण देण दे संबंध। जिथे सुख देना बंद हो जाए, सुख लेना भी बंद हो जाता है। जिथे कोई किसे नूं प्रसन्नता देवे ना, प्रसन्नता लेनी भी औखी हो जाएगी। कोई किसे नूं इज्जत देवे ना, इज्जत लेनी भी औखी हो जाएगी। ये तो सारे देन लेन दे संबंध ने। एक संबंध ऐसा है परिपूर्ण परमात्मा दा, जो देंदा ही है, देंदा ही है, देंदा ही है, बदले दे कुछ भी नहीं लेंदा। देंदा दे लेंदे थक पाए, वो देंदा देंदा नहीं थकदा, लेंदे लेंदे जीव थक जांदे। फिर वो देण वाला ऐसा है कि वड्डा दाता तिल ना तवाए, पहाड़ा जितनिया दाता दे के भी तिल जितनी भी मंग नहीं रखता। नहीं तो अक्सर देखे है तिल जितना परोपकार करके किसे ते मनुख पहाड़ा जितना बदले दिच मंगता है, बहुत मंगता है। मैं तेरे नाल ए कीता, हुण तू कर, थोड़ा जिहा करके, थोड़ा जिहा सुख दे के मनुख दूसरे कोल बहुत वड्डा सुख मंगता है। पर एक परिपूर्ण परमात्मा है, इतने खेड़े खुशियां दे के भी बदले देच कुछ मंग नहीं है, दाता है, वड्डा दाता तिल ना तमाए। तो जिन्होंने ऐसे परमात्मा दी ओट पकड़ी है, ऐसे परमात्मा दा आसरा पकड़िया है, जो सृष्टि दा पालनहार है, मालिक है, सदीवी खेड़े ते खुशियां च रहिंदियां ने। साहिब कहिंदे ने उन्हां दे अंदर ये अरदास भी पैदा होंदी है कि वो जो मालिक है उहदी सेवा दे च ही जुड़े रहिए और सेवा दा ही ला खटिए, आनंद खटिए। ऐसे जो सेवा दे च जुटियां उन प्रभु दी और उसदा ओट आसरा तक के अपना जीवन बतीत कर रही ने,
महाराज कहिंदे ने बिखिया पोह न सकई मिल साधु गुण गा। उन्हां नूं विशियां दी जहर नहीं व्यापदी, विकारां दी जहर नहीं व्यापदी। क्यों? क्योंकि गुरु की संगत विच बैठ के, सत्संग विच बैठ के वह जीव इस्त्रियां परमात्मा के गुणों की संभाल करदियां ने, उहदे गुणों नूं अपने हिरदे विच वसांदियां ने और उसका ही केवल आसरा तक के उसनों ही केवल ओट बना के अपना जीवन बतीत करदियां ने। इस वास्ते विकारां दी जहर उन्हां नूं नहीं व्यापदी। इह सही आसरा है। इस आसरे नूं जद भी कोई अपनी जिंदगी का आधार ओट बना लैंदा है ऐसा पुरश जगत विच कदी भी आसरा नहीं होंदा। शायद इस वास्ते परमात्मा नूं नियासरियां दा आसरा आख्या गया है। नियोटियां दी ओट, निमाणियां दा मान, नितानियां दा दान। और यह हकीकत है कि जितने चिर तक मनुख छोटे छोटे आसरे और ओट बनाई रखता है उहदे अंदर प्रभु दी ओट दा ख्याल नहीं पैदा होंदा। तो पातशाह कहिंदे ने यह पोह दा महीना, यह कक्कर, यह पाला, यह सीत लहर, यह ठंड जो लगदे ही मनुख नूं आलसी ते दलिद्री बना देंदियां ने। जद कंठ दे परिपूर्ण परमात्मा दा नाम होवे ते उसकी ओट होवे, कोई भी कक्कर, कोई भी पैंदी बर्फ ते सीत लहर उसनूं आलसी नहीं बना सकती। वह उद्यमी होवेगा, उत्साही होवेगा और फुरतीला होवेगा। साहब अगां चल के कहिंदे ने जह तें उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समा। गुरु की संगत विच बैठ के प्रभु दे गुण गावदियां गावदियां यह जीव इस्त्री जिथों इसकी उत्पत्ति होई सी उसकी प्रीत करके उस दे विच ही समा गई। जिथों आवना होया सी उस दे च ही समाणा नसीब हो गया। कर गए लीनी पार ब्रह्म बौड़ न विछड़िया। कर कर कहिंदे ने हथ नूं। परमात्मा ने अपना हथ दे के अपना बना लिया, गले नाल ला लिया और ऐसा मिलाप बख्शिया। हुण मुड़ के विछोड़ा नहीं। जगत विच जितने मिलाप ने आखिर एक ना एक दिन विछोड़ा होंदा है। चाहे ये मिलाप पुत्रां दा होवे, मित्रां दा होवे, मां बाप दा होवे, भरावां दा होवे, पड़ोसियां दा होवे, गहरे तो गहरे सजणां दा होवे, एक दिन विछोड़े दा दुख देखना ही पैंदा है। या तो जीवदियां जी ये विछोड़ा हो जाता है या फिर मर के विछोड़ा हो जाता है। सारियां तो ही मनुख टुट जाता है। पर यह प्रभु का मिलाप जो वह आप बांह पकड़ के करांदा है अपना मिलाप, विछोड़े का दुख इस मिले हुए नूं भोगना नहीं पैंदा। सतगुर की बाणी का भी फैसला, मिलिया होए न विछड़े जे मिलिया। एक दफा जे ये मिल जाए फिर विछोड़ा नहीं, फिर टुटना नहीं। तो साहिब फरमान करदे ने जह तें उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाओ। कर गए लीनी पार ब्रह्म बहुर न विछड़िया। बार जाओ लख बेरिया हर सज्जन अगम अगा। ओ परिपूर्ण परमात्मा अगम है, साड़ी सोच तो परे है, साड़े विचारां तो परे है, साड़े इंद्रियां दी शक्ति तो परे है, ते साड़ी पकड़ तो भी परे है। साहिब कहिंदे ने जीव इस्त्री प्रभु दे गुणां नूं गाउंदियां गाउंदियां जद प्रभावित होंदी है, ये महानता उसकी उसके सामने उजागर होंदी है और उसके अंदरों ऐसे ख्याल पैदा होंदे ने मैं लखां दफा सदके जांदियां ऐसे परमात्मा तो, मैं बार बार निछावर घोल घोल जांदियां, मैं कुर्बान होंदियां ऐसे परमात्मा तो, भावें वह मेरी पकड़ दे च नहीं, भावें वह मेरी पहुँच तो परे है, भावें वह मेरी सोच तो परे है, फिर भी मैं तो परे नहीं, फिर भी मेरे कोल है। हाँ मेरे रोम रोम दे च है, मेरी सोच तो परे है, मेरे कण कण दे च रमिया होया है, पर मेरी पकड़ तो परे है। ये इस तरह है कि सूरज की एक एक किरण मैनू छू रही है, फिर भी सूरज की पकड़ बहुत दूर है, मेरे हत्थों च सूरज नहीं है। भावें उस दियां किरणां मैनूं छू रही ने, सूरज दियां किरणां करके मैं जी रहा,
सूरज दिया किरना ही मेरिया पालना कर रही ने, फिर भी मेरी हथां विच सूरज नहीं है, मेरे कोल होंदे होया भी वह मेरी पकड़ दे च नहीं है, मेरी पहुंच दे च नहीं है। इस तरह परमात्मा रोम रोम दे च है, उस तो बिना असी हो भी नहीं सकते। अगर सूरज ठंडा पै जाए तो सब कुछ ठंडा पै जाएगा, अगर ईश्वर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ईश्वर करके ही असी हाँ, और वह साढ़े कोल है, रोम रोम दे च है, फिर भी साड़ी पकड़ तो परे, साड़ी पहुंच तो परे, साड़ी सोच तो परे। साहिब कहिंदे ने ऐसा जो परिपूर्ण परमात्मा है, असी बार बार उस तो सदके जाते हाँ, कुर्बान जाते हाँ। बार जाओ लख बेरिया हर सज्जन अगम अगाओ, सरम पई नारायण नानक दर पई आओ। इस तरह जोदड़ी करदी होई जिहड़ी जीव इस्त्री परमात्मा दे दर ते ढह पैंदी है, कहिंदे ने परमात्मा शरण पालक है, फिर परमात्मा शरण आए हुए दी रखदा है। और ऐसा जो जोदड़ी करदा होया दर ते ढह पे है, समझ लो परमात्मा ने उसनु मालक बना दिता है, सिंघासन ते बिठा दिता है, उसनु अपना बना दिता है। वह शर्म पै दी रखदा है। पोख सुहंदा सर्व सुख जिस बख्शे वे प्रवाह, ओ दे महीने दा ए उपदेश संदेश, सारे सुख उसकी झोली समझ लो जिस दे उते ओ बेपरवाह परिपूर्ण परमात्मा बख्शिश कर देवे। अनेकां गुणां दे च परमात्मा दा एक ए वी गुण है बेपरवाह, ते जद कोई उस बेपरवाह नाल जुड़दा है आप भी बेपरवाह हो जांदा है। बेपरवाह सदा रंग हर के जांखो पाक स्वामी, किसे दे दबाव हेठ आके हसना ये बेपरवाही दा हसना नहीं है। किसे दी लोड़ पूरी करन वास्ते ही रो पैना ये बेपरवाही दा रोना नहीं है। जैसे किसे मर्ग वाले घर दे चले गए, बहुत सारे रोंदे पैसन, ते उत्थे मुंह निकल गया सुभाव की, कह दिता सानू बहुत अफसोस होया, माड़े जिया नेत्र भी सज्जल होए, पर दूजिया करके ये दूजिया का प्रवाह है, ये बेपरवाही दे हंजू नहीं ने। और दूजे का मूँह लिहाज रख के एवें बनावटी खुशी ते बनावटी हासा जाहिर करना ये बेपरवाही का हासा नहीं है। जिहड़ा संत है जो उस बेपरवाह परमात्मा नाल जुड़िया होया है, उहदा हासा भी बेपरवाही का, उहदा रोना भी बेपरवाही का, उदी खामोशी विच भी बेपरवाही। रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह ना ही किसे केरी बाज सच्चे ना है। तो साहिब कहिंदे ने ए महीना पोदा सारे दा सारा सुखां दा उसदा बतीत हो जांदा है, जिसनू ओ बेपरवाह परमात्मा अपने गुणा दी बख्शिश झोली विच पा देंदा है। पोख तुखार पड़े वन तृण रस सोखे, आवत की नाही मन तन वसे मुखे, मन तन रवरिया जग जीवन गुर सबदी रंग माणी, अंडज जेरत से तज उतबुज घट घट जोत समाणी, दर्शन देहो दयापत दाते गत पाओ मत देहो, नानक रंग रवे रस रसिया हर स्यों प्रीत सने हो। तुखारी बारामा धन गुरु नानक देव जी महाराज दा अमर बचन। आप कहिंदे ने तुखार बर्फ कक्कर पाला पै रहा है पोह दे महीने विच, वण तृण रस होके जंगल विच बनस्पति दे घास सुकने शुरू हो गए, उपर बर्फ पै गई, बर्फ नाल भी बनस्पति सड़ दी है गल दी है। ऐसा ही नहीं कि अत दी गर्मी जद लू चले ते वनस्पति सुक दी है सड़ दी है, अत दी बर्फ पै जाए तां भी सुक दी है
ते सड़दी है दोहां हालतां विच समान अवस्था चाहीदी है बनस्पति नूं खिड़न लई वी। हू बहु मन दी वी यही हालत है, अत दी ठंड अत दा आलस मनुख नूं सुका के रख देंदा है, जीवन दे हर पासों गति रोक के रख देंदा है और उन्नत होना उस लई कठिन हो जांदा है। गुरु नानक देव जी महाराज इस दे उत्ते बहुत सुंदर उदाहरण देंदे ने कि जितने तिनके ने घास फूस बनस्पति इते सुकनी शुरू हो गई क्योंकि बर्फ पै गई, ते बर्फ नाल उन्हां दा पुंगरना वधना फुलना रुक गया। अत दी ठंड वाकई इतना आलसी बना देंदी है कि उस लई वधना फुलना भजना दौड़ना कुछ करना इस सारे दा सारा रुक जांदा है। साहिब कहिंदे ने पोह दे महीने दा ए प्रताप, पोक दे महीने दा ए असर, पोख तुखार पड़े वन तृण रस सोखे, आवत की नाही मन तन वसे मुखे। जीव कावन जे किधरे इस ढंग दी अरदास करे, हे परमात्मा तू आमदा क्यों नहीं, तेरी आमद दी कोई निग मेरा आलस दूर करे, मेरे विच फुर्तीलापन पैदा करे, मैं बेपरवाह होवां, मैं अमृत वेले उठ सकां, मैं गुणा नूं संग्रह कर सकां। तू आमदा क्यों नहीं, आवत की नाही मन तन वसे मुखे। तू मन दे च वस, तन दे च वस, मुख दे च वस, इस निग दे नाल पोक दे महीने दी जो ये सीत लहर है, ये जो कक्कर ते पाला है, ये नहीं व्यापेगा। जो ख्याल माज राग दे च धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिता है, तुखारी राग दे च पहले ही पहले पातशाह ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बख्शिश कीता होया। वाकई जद मन विच ओ वसदा है तो तन विच भी वस जांदा है, जैसे मन विच उसकी याद वसती है तन सेवा करन लग पैंदा है, आलस दूर हो जांदा है। और जैसे उसके गुण मन नूं प्रभावित करदे ने, रसना वाहिगुरु वाहिगुरु जपन लग पैंदी है। अभ्यासी की यह पहचान है कि उदा तन सेवा दे च लीन है, उदा मन याद दे च लीन है, उदी रसना जाप दे च लीन है। बस यही पहचान है, रसना जपदी जाए, तन सेवा करदा जाए और मन उसकी याद दे जो है लीन होवे, तो साहब ऐसा पै फरमान करदे ने, आवत की नाही मन तन वसे मुखे। ए परिपूर्ण परमात्मा तू आमदा क्यों नहीं, मन दे च वस, तन दे च वस, मुख दे च वस, ताकि इस वसण दे नाल मैनू निगदी प्राप्ति होवे और ये आलस जो कक्कर करके है, बर्फ करके है, सीत लहर करके है, ये दूर होवे। समान अवस्था ही दरअसल सुखदाई है, अति सर्वत्र विवर्जते। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक अति हों धक्का खाए, जीवन दे जिस पक्ष दे च वी जदों कदी मनुख अत करदा है धक्के ही खांदा है। रस आनंद समान अवस्था दे च है, मद दे च है, सहज दे च है, तो साहिब ऐसा ही जो है इत्थे फरमान पे कर देन, अत दी ठंड अत दा आलस किवें दूर होवे। ये सीत लहर उद्दम जो है करन नूं रोकदी पई है, ये बर्फ जीवन की सारी हरकत नूं रोकी बैठी है, और बनस्पति का फुलना वधना हरा होना औखा होंदा जा रहा है, जीवन विच हरियावली का पैदा करना कठिन होंदा जा रहा है, तो की करिए। साहिब कहिंदे ने इंज फरियाद कर, हे प्रभु तू मेरे मन विच क्यों नहीं वसदा, तू मेरे तन विच क्यों नहीं वसदा, तू मेरे मुख विच क्यों नहीं वसदा। इस तरह की जिहड़ी मंग ते चाहत है अगर कोई उस ठंडे महीने दिच भी करे तो उसका मुख उचारण करन लग पवेगा, मन दिच प्रभु वस जाएगा, तन सेवा दिच लीन हो जाएगा। इस तरह की निग दी प्राप्ति होंदिया ही पोह दे महीने दी जो ये रोक है उस लई ये रोक साबित नहीं होवेगी। आवत की नाही मन तन वसे मुखे, मन तन रव रहा जग जीवन गुर सबदी रंग माणी। साहिब कहिंदे ने
गुरु दे शब्द दे मिलाप दे द्वारा जीव इस्त्री मन ते तन विच परिपूर्ण परमात्मा नूं वसा के रंग माण दी है। ओ जो जगत दा जीवन है किसे एक दा जीवन नहीं। आम जगत विच कहावत है फलाना ते मेरा जीवन है, फलाना ते मेरी जान है। कहावत है, सच नहीं है, हकीकत नहीं है। चलो जे किधरे मन भी लईए फलाना ते मेरी जान है, पर सिर्फ उसकी जान हो सकता है, जगत दी नहीं, सारे संसार दी नहीं, सारी मखलूक दी नहीं। अवल ते कोई किसे दी भी जान नहीं। बड़ा आशकी मिजाजी उस दे चे पर चल तो वाक बे मेरी जान, फलाना ते मेरी जान है, मेरे प्राण है। नहीं, जगत दा जीवन, जगत दी जान, जगत दे प्राण केवल परिपूर्ण परमात्मा है। सारियां दी ओ जिंद जान है, सारियां दी ओ प्राण है। पर कमाल दी गल, जो सारियां दी जान है उसनू कोई भी ऐसा घाटी आखदा है, हे प्रभु तू मेरे प्राण है, तू मेरी जान है। लेकिन उन्होंने ये कहिंदा फिरदा है ए मेरी जान, ए मेरी जान, जबकि उसकी जान है ही नहीं, उस दे प्राण तो है ही नहीं। तो साहिब फरमान पे कर देने, ओ जो जगत दा जीवन है गुरु शब्द दे जाप द्वारा जगत दे जीवन दा जीव रूपी स्त्री आनंद माणदी है, और उस दे मन ते तन विच उस दा बकायदा छाप रहिंदी है, उस दे मन दे उते बकायदा उस परिपूर्ण परमात्मा दा प्रभाव रहिंदा है। ऐसी उसकी तर्ज जिंदगी बन जाती है। अंडज जेरज सेतज उद्भुज घट घट जोत समाणी, चार खाणियां ने जिथों जीवन उत्पन्न होता है। सब तो वड्डी खाण है अंडे, दूजी खाण है जेर पेट, तीजी खाण है उद्भुज, और चौथी है सेतज पसीने तो पैदा होना। ये जो जीवन असी पृथ्वी ते देख रहे हैं ये चार खाणियां द्वारा ही जगत दे जो है प्रचलित होता है। जीव इन्हां दे राही बाहर आते हैं, कुछ अंडियां राही, कुछ पेट राही, कुछ पसीने ते मैल दे राही, ते कुछ धरती दे चों उत्पन्न होती है, जैसे कि बनस्पति। अंडज जेरज सेतज उत्पुज घट घट जोत समाणी, शब्द का रंग माणदिया माणदिया जीव रूपी स्त्री नूं समझ पै जांदी है, हे परिपूर्ण परमात्मा अंडिया दे जो जीवन है उस दे च भी तेरा ही जीवन है, पेट दे अंदर जो जीवन है उस दे अंदर भी तेरा ही जीवन है, पसीने ते मैल दे जो जीवन बनता है उस दे च भी तेरा ही जीवन है, और बनस्पति दे च भी तू रमिया होया है। चारे खाणियां दे विच हे परिपूर्ण परमात्मा तेरी ही लीनता है। अंडज जेरज सेतज उत्पुज घट घट जोत समाणी, दर्शन देव दयापत दाते गत पाव मत दे। इस तरह इस ठंडे महीने विच जिस विच भयंकर कक्कर बर्फ ते सीत लहर चल रही है, अगर जीव रूपी इस तरह की अरदास करे दर्शन देहो दयापत दाते गत पावो मत देहो, ए परिपूर्ण परमात्मा तू मत दे ऐसी कि तैनू सोचा ते तेरे दर्शन दी तांग अंदर पैदा होवे, मैं ऐसी चाहत अपनी मत दे अंदर पैदा कर सका, ए प्रभु ऐसी मत दे, ऐसी सोचनी दे, ताकि ए महीना मेरा सुखां दा बतीत होवे। परिपूर्ण परमात्मा हे दया दे घर, हे दया दे सागर, तू रहमत कर, बख्शिश कर, ऐसी मत दे मैं तेनू सोचा, मैं तेनू याद करा, मैं तेरी मंग करा, मैं तेरे दर्शना दी लोच दे जिंदगी बतीत करा। नानक रंग रवे रस रसिया अरसों प्रीत स्नेहो, पोख दे महीने दिच जीव रूपी स्त्री इसे ही रंग दिच रंगी जाए तो सारा महीना आनंदमयी बतीत होंदा है।